नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। करंट अफेयर सीरीज में आज के इस वीडियो में हम जनवरी के सेकंड वीक की बात करेंगे। जनवरी के सेकंड वीक में जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई हैं उसकी चर्चा आज के इस वीडियो में दी गई है। और साथियों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसके जितने भी अपडेटेड वीडियो हैं वो आसानी से मिल सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे सभी वीडियो पाना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से पाना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पर हमारे लर्न ईजी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप करंट अफेयर के सभी वीडियो और हमारे ग्रुप का लिंक वहाँ पर दिया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम अपने टॉपिक की, करंट अफेयर की, जिसमें पहली घटना है भारत ने पिनाक मार्क टू नाम का एक रॉकेट लॉन्च सिस्टम को लॉन्च किया है, इसका परीक्षण किया है, जो कि रॉकेट लॉन्चर है। इससे रॉकेट को जो है दागा जाता है और ये मल्टी बैरल है। इस वाले जो पिनाक मार्क टू है इसमें मल्टी बैरल है, मीन्स इसमें बैरलों की संख्या एक से अधिक है और इसमें एक साथ कई रॉकेट दागे जा सकते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है पिनाक मार्क टू, उसका सफल परीक्षण 12 जनवरी को किया गया। और इसका परीक्षण हुआ कहाँ, तो पिनाक मार्क टू का जो परीक्षण हुआ है वो ओडिशा के तट पर किया गया है। अब बात करते हैं जो पिनाक जो सिस्टम है इसको किसने विकसित किया है। तो जो पिनाक है उसे DRDO ने विकसित किया है, DRDO ने पिनाक को विकसित किया है और ये एक स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। उसके अलावा दूसरी खबर है ये कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारी, जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनके लिए एक न्यूनतम पेंशन देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक न्यूनतम पेंशन देने की घोषणा की है और ये इस पेंशन की राशि 9000 रुपये रखी गई है कि 9000 सबसे कम 9000 रुपये पेंशन अपने केंद्रीय कर्मचारी को देंगे, ये घोषणा केंद्र सरकार ने की है। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका के ही उपराष्ट्रपति जो बाइडन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। तो बात करें कि अमेरिका का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम कहते हैं, वो किसे प्रदान किया गया है। तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडन को दिया गया है और ये किसने प्रदान किया है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रदान किया। आगे बात करेंगे, देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत है, भारत की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसे TCS के नाम से जाना जाता है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने TCS ने राजेश गोपीनाथ को अपना नया MD और CEO घोषित किया है। तो अब से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS के नए CEO और MD कौन होंगे, राजेश गोपीनाथ। उसके अलावा कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, उनको भारत की ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का CEO नियुक्त किया गया है। तो फ्लिपकार्ट के CEO किसे नियुक्त किया गया है, फ्लिपकार्ट का CEO कल्याण कृष्णमूर्ति को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विमुद्रीकरण, जैसा कि हम जानते हैं कि नोटबंदी, विमुद्रीकरण मीन्स नोट का जो बदलाव किया जाता है, जो मुद्रा है उसको चेंज किया जाता है। तो जो विमुद्रीकरण है इसके बाद जो भारत की विकास दर है वो 7% रहने का अनुमान है, और ऐसा अनुमान किसने लगाया है, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद भारत की विकास दर 7% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है गुजरात सरकार ने भारत की पहली छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति की शुरुआत की है।
तो ये इम्पोर्टेंट है कि पहली जो भारत की पहली छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति है इसकी शुरुआत कहाँ की गई। तो छात्र स्टार्टअप और नवाचार जो नीति है इसकी शुरुआत गुजरात सरकार ने की। सबसे पहले छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति गुजरात में शुरू की गई। नेक्स्ट है आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र, आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग से थे, पराग हवलदार। पराग हवलदार ने टेक्निकल ऑस्कर पुरस्कार जीता है। एग्ज़ाम के पर्पस से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टेक्निकल ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है। तो टेक्निकल ऑस्कर पुरस्कार भारतीय मूल के जो आईआईटी खड़गपुर के छात्र हैं पराग हवलदार, उन्हें प्रदान किया गया है। तो पराग हवलदार को टेक्निकल ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 2017 का जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 2017 का जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसका आयोजन रोहतक में किया जाएगा। तो रोहतक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2017 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई वाईफाई के नाम से भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रारंभ की है। तो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक वाईफाई सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया है, महाराष्ट्र के मुंबई में, और इसका नाम है मुंबई वाईफाई। तो मुंबई वाईफाई के नाम से भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक वाईफाई सेवा का शुभारंभ महाराष्ट्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस पर, जो ई गवर्नेंस है उस पर 2 दिवसीय 20वां राष्ट्रीय सम्मेलन, जो ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय 20वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसका आयोजन कहाँ हुआ। तो जो ई गवर्नेंस है उसका 20वां राष्ट्रीय सम्मेलन 9 जनवरी को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ। तो सीधा सा क्वेश्चन ये है कि 20वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ई गवर्नेंस का, उसका आयोजन किस डेट को और किस प्लेस पे हुआ। तो 9 जनवरी 2017 को हुआ और कहाँ पर हुआ, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 28वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। 28वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। जैसा कि इसका नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, तो यहाँ पर देश और विदेश दोनों जगह के पतंगबाजों ने भाग लिया। तो इसमें लगभग 32 देशों के पतंगबाजों ने भाग लिया, 32 देशों के पतंगबाजों ने अपनी पतंग की कला का प्रदर्शन किया। तो 28वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट है हरियाणा में देश का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो देश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा, देश का पहला खेल विश्वविद्यालय, जो देश का पहला खेल विश्वविद्यालय है उसका जो वो जो है हरियाणा में खोला जाएगा। नेक्स्ट है चीन से लंदन, चीन से लंदन के लिए पहली मालगाड़ी ट्रेन की शुरुआत की गई है, और ये ट्रेन 7 देशों से होकर गुजरेगी। तो 7 देशों से होकर गुजरने वाली यह मालगाड़ी चीन और लंदन के बीच चलेगी, और ये चीन से लंदन के लिए पहली मालगाड़ी ट्रेन है। अब बात करते हैं स्पोर्ट में, स्पोर्ट में टेनिस की बात कर रहे हैं। टेनिस में दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, जो नोवाक जोकोविच हैं वो टेनिस की दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। इन्होंने पहली वरीयता प्राप्त एंडी मरे को हराकर कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता। तो पहली बात तो कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। इन्होंने किसको हराया, एंडी मरे को हराया। अब बात करते हैं कि जो टेनिस है उसमें सबसे शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी है। तो शीर्ष पर हैं एंडी मरे जो कि पहली वरीयता प्राप्त हैं, और जो सेकंड पोजीशन पे हैं वो नोवाक जोकोविच है। तो इस लाइन से कई चीज़ें क्लियर होती हैं कि जो टेनिस है उसमें पुरुष में पहले नंबर पे एंडी मरी हैं, एंडी मरे, दूसरे नंबर पर नोवाक जोकोविच हैं। लेकिन नोवाक जोकोविच ने एंडी मरे को हराकर कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता। अब बात करते हैं भारत की टेनिस खिलाड़ी, तो भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा हैं, और उनकी जो जोड़ीदार हैं
वो है बेथानी माटेक। तो सानिया मिर्जा ने अपनी जोड़ीदार बेथानी माटेक के साथ मिलकर ब्रिस्बेन ओपन महिला डबल्स का खिताब जीता। जो ब्रिस्बेन ओपन है उसमें महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? सानिया मिर्जा ने। और सानिया मिर्जा भारत की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक मेला। जो विश्व पुस्तक मेला है उसका आयोजन 7 से 15 जनवरी को दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। 7 से 15 जनवरी के बीच चला यह पुस्तक मेला। कहां पर आयोजित किया गया? प्रगति मैदान में। तो विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहां किया गया? प्रगति मैदान में। और ये 7 से 15 जनवरी को आयोजित किया गया। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इस मेले की थीम क्या थी। ये जो मेला था विश्व पुस्तक मेला, इस मेले की थीम मानुषी रखी गई थी। इस पुस्तक मेले की जो थीम थी वो क्या थी? मानुषी रखी गई थी। नेक्स्ट है 14वें प्रवासी दिवस। जो 14th नंबर का प्रवासी दिवस है वह 7 जनवरी को बेंगलुरु में आयोजित किया गया। जो 14वां प्रवासी दिवस था वह कब मनाया गया? 7 जनवरी को बेंगलुरु में आयोजित किया गया। और इसका आयोजन सबसे पहले युवा प्रवासी दिवस के नाम से किया गया। जो 7 जनवरी को आयोजन हुआ वो युवा प्रवासी दिवस के नाम से हुआ। और जो इसका मेन जो सम्मेलन था वह 9 जनवरी को मनाया गया। अब बात करते हैं कि जैसा कि हर साल होता है, यहाँ पर कोई ना कोई विदेशी जो प्रवासी होता है वो चीफ गेस्ट के रूप में आता है, मुख्य अतिथि के रूप में आता है। तो इस बार सूरीनाम के उपराष्ट्रपति मिशेल अश्विन अदीन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। तो ये इम्पॉर्टेंट बनता है इस वजह से कि इस बार के जो मुख्य अतिथि थे या जिन्होंने संबोधन किया वो किसने किया? सूरीनाम के उपराष्ट्रपति मिशेल अश्विन अदीन। आयोजन इसका 7 जनवरी को किया गया, बेंगलोर में किया गया। और जो इसके मुख्य अतिथि थे वो सूरीनाम एक देश है, वहाँ के उपराष्ट्रपति मिशेल अश्विन अदीन ने किया। नेक्स्ट है सड़क हादसों पर काबू पाने के लिए सरकार ने ई चालान और एम परिवहन नामक ऐप लॉन्च किए हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन इसका करंट में अगर आएगा तो इस प्रकार से आएगा कि ई चालान और एम परिवहन नामक ऐप क्यों लॉन्च किए गए हैं। तो सड़क हादसों पर काबू पाने के लिए सरकार ने ई चालान और एम परिवहन नामक ऐप लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है बोस द इंडियन समुराई पुस्तक के लेखक कौन है? बोस द इंडियन समुराई पुस्तक के लेखक जीडी बक्सी हैं। तो जीडी बक्सी की पुस्तक बोस द इंडियन समुराई है। नेक्स्ट है दीप पर्यटन महोत्सव 2017। जो दीप पर्यटन महोत्सव 2017 है इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो जो दीप पर्यटन महोत्सव 2017 है इसका आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। नेक्स्ट है अमिताभ बच्चन को अमेरिका के राजदूत, जो कि भारत में है, भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड आर वर्मा ने सम्मानित किया है। अमिताभ बच्चन को भारत में अमेरिका के राजदूत जो कि रिचर्ड आर वर्मा है उन्होंने सम्मानित किया है। तो इन्होंने अमिताभ बच्चन को क्यों सम्मानित किया? क्योंकि अमिताभ बच्चन टीबी के खिलाफ, जो ट्रबोक्लोसिस जो बीमारी है टीबी, उसके खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण अमिताभ बच्चन को रिचर्ड आर वर्मा ने सम्मानित किया। नेक्स्ट है 8वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2017 का आयोजन गांधीनगर में गुजरात में किया गया। यहाँ पर गांधीनगर मेंशन नहीं है, लेकिन जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिति है उसका जो आयोजन है वह गांधीनगर गुजरात में किया गया है। तो ये जो समिट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिट है और ये 8वें नंबर की समिति है। ये 8th टाइम आयोजित की जा रही है, 8वीं बार इसका आयोजन हो रहा है। तो 8वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2017 का जो आयोजन है वह गांधीनगर गुजरात में किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया।
नेक्स्ट है विराट कोहली को, जो विराट कोहली हैं उनको जियोनी हैंडसेट, जो जियोनी हैंडसेट मोबाइल आता है उस कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो विराट कोहली किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? विराट कोहली जियोनी हैंडसेट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में जो जितनी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं सेकंड वीक की थी वो मेंशन की गई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो आसानी से मिलते रहें।